व्हाट्सअप दोस्तों, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी वजह से आज हम दोबारा वही काम करवाने निकल चुके हैं जो कि कल रह गया था, जो कि है प्रतीक की इस गाड़ी का जिसमें हम अभी बैठे हैं, इसका डेडक्सल चेंज करवाना। तो अभी इसको पार्किंग में खड़ा कर रहे हैं, फिर से मेरी गाड़ी उठा रहे हैं, फिर एक कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट मारेंगे कि इस बार शायद वो सर जिन्होंने हमको सामान हैंड ओवर करना है वो मिल जाए और काम हो जाए। आज हमारे साथ में जिसकोरा शेफ भी है। नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतीक जी जो हमारे हैं ये नहाए नहीं हैं, तो इन्होंने कपड़े भी वही पहने हैं कल वाले, आज नहीं नहाए हैं। और कभी कभी नहीं, मतलब दो दो तीन तीन नहीं नहाते, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मैं तो इतना गोरा हूँ कि बिना नहाए भी नहाया हुआ लगता हूँ, तो ये दोनों नहाते धोते नहीं है। एंड नेहरू प्लेस में जाना है हमें। और भाई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक ड्रीम स्टोर। अच्छा तो दोस्तों, जाम फिर से बहुत गंदा लगा हुआ है दिल्ली में। एक चीज कांस्टेंट रहती है हमेशा, भले ही आपकी गर्लफ्रेंड कांस्टेंट रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ जाम कांस्टेंट रहता है। तो हम ये सर्विस लेन से जा रहे हैं क्योंकि मेन रोड वहाँ पर है, और मेन रोड पर भाई इतना गंदा जाम है, पता नहीं क्यों है, वजह समझ नहीं आ रही, बट लेट्स सी क्यों है। तो भाई मेरी गाड़ी उठा ली है, अब मैं बैठा हूँ बैक रो पे क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन एक आ गया वीपीएन। तो भैया गंदी चीज होती है, वीपीएन का तो लोग गंदी चीजों के लिए यूज करते हैं। ऐसे क्यों करते हो भैया? वाह भैया, बेटे मौज कर दे। जो यूज करता है उसी के लैपटॉप में आ रही है। लैपटॉप है मिस्टर अभिषेक का। ये लैपटॉप तो तेरा है मियां? नहीं ये अच्छा मेरा है ना। नहीं अच्छा नहीं तेरा नहीं है। Wait a minute. ये लैपटॉप तो गोलू का है। अब ये गोलू कौन है? मैं तो रितिक हूँ। हेलो कूड़े के पहाड़ों, वेलकम बैक फिर से कूड़े के पहाड़। भाई ड्राइविंग सीट पे अब आ चुका है तुम्हारा भाई। और यार मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को कुछ काम है, लेकिन प्रतीक मेरे को कह रहा है तू चला। मेरे को आगे देखो बैठा दिया, खुद पीछे आराम से सेट बन के बैठ गया। देखो वेरी बैड यार। मेरा लैपटॉप है ना तो मैं चलाऊंगा यार। व्हाट इज दिस? व्हाई यार? बोला ना व्हाई बाबा व्हाई, ये मैं यूज करता हूँ। व्हाई बाबा व्हाई? इट्स बिजनेस बाबा, इट्स बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि आज आना सफल हुआ है। वर्कशॉप के बाहर वेट कर रहे हैं, प्रतीक ने कॉल कर दिया है, एंड जो सर सामान भेज रहे थे वो कह रहे हैं कि मैं बस लंच कर रहा हूँ और आ रहा हूँ। तो ये देखो बाहर बैठे हुए हैं, वो देखो टूटी फूटी गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से। ये देखो ये डेड सा लग रहा है क्योंकि ये रात भर सोया नहीं है। क्या कर रहा था बोलो रात भर? देखो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैंने बहुत पिया हो कल। हाँ भाई जितना छोटा पैकेट है तो ज्यादा पीता है हमारा। नहीं ये सब काम नहीं करता है, शरीफ लड़का, ये सीधा मुंह पर लगाता है बोतल। तो भाई डेड एक्सल आ चुका है, पर बैठने की जगह नहीं है। पैदल आओ बाहर चल। ओए भाई देखो गाड़ी में जगह नहीं है तो मेरी गाड़ी से मेरे को ही उतार दिया, मेरे को ही पैदल जाना पड़ रहा है बाहर तक। देखो ज़माना कितना बुरा हो चुका है, कितने गंदे गंदे लोग आ गए इस ज़माने में। ये देखो मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। देखो फाइनल दोस्तों मुझे मेरी कार में बैठने का मौका मिल गया है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अबे ओ चोर, अबे ओ लाठी। मैं नहीं खेल रहा। रामपुरी चक्कू छटा हुआ बदमाशी कालू रामपुरी। मैंने स्पोर्ट्स ऑटो देख लिया, देखो आगे जा रहा है स्पोर्ट्स ऑटो ओपन रूफ वाला, और वो इतनी तेज भगा रहे हैं कि हम लोग 60 से ऊपर चल रहे हैं तब भी हम इसको मैच नहीं कर पा रहे। भाई जेट इंजन लगाया, जेट इंजन, इसमें नाइट्रो है, टोपी पहन के घूम रहे। देख इसको कहते हैं हैवी ड्राइवर। देखो जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ और ना कर यार, कभी लग ही जाए मजाक मजाक में। वाई सफर के बीच में चस्कोरा शेफ को लग गई है भूख और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, सामने साई राम स्वीट्स। क्या खाएगा? छोले भटूरे खाएंगे, बड़ा टाइम हो गया। छोले चुलचे नहीं खाएगा ना? ना, छोले भटूरे इज बेस्ट। छोले चुलचे तो प्रतीक खाता है ना। प्रतीक साई राम स्वीट्स पे कुछ नहीं था तो हम आ गए हैं नाज़िल फूड्स और अब हम यहाँ पे खाएंगे आके वेज थाली। नाइस एम्बियंस, गुड प्लेस, गुड पीपल, ऑलवेज गुड, अल्टीमेट है ना। हैट्स ऑफ भाई, मतलब इतना स्वाद यार। पुलाव वो इन्होंने बिरयानी, पुलाव में भी बिरयानी वाली फील आ रही है। शाही पनीर मस्त, दाल मस्त। तो क्या नाम है उसका, वो कोर भी तो बहुत मशहूर है, क्या नाम है वो जो ओल्ड दिल्ली का है, करीम्स से बेटर है। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे केस में कि पूरी थाली शट हो चुकी है। तो गोलू हमारा नहीं बचा जरूर है। लवली और इस दवाई अल्टीमेट फूड भाई, अल्टीमेट फूड थाली खा ली हम लोगों ने और बर्गर खाया, मस्त है ना, एकदम मजेदार। और ये चैप्सी भी पी है। कैसे बोलूँ, ये लड़का नॉनवेज खाता है, इसने सपने में रहना था मुझे, इसने कहा शामी कबाब पर मुझे सुंदर सपने में रहने दो प्लीज, रहने मजा आ गया यार। साला बेजुबान जानवरों पे वो करता है, तेरी वजह से कटते हैं जानवर क्योंकि तू खाता नहीं चाहिए। तो गाइस ये देखिए अपने मजदूर आदमी, दोनों मजदूर निकल चुके हैं। चल चल पड़े मजदूर। डेड एक्सल है, पता नहीं एक्सल कहाँ लगता है आई डोंट नो, लेकिन बहुत भारी होता है, तभी दो बंदे लग रहे हैं, वो भी इतने इतने बड़े दानव लोग, तो इनको ही लेके जाना पड़ रहा है। मैं तो छुट्टू सा इत्तू सा बच्चा हूँ, मैं क्या ही करूँगा बताओ, इसीलिए मी इन द कार। गोलमाल मूवी का सीन है, पहली वाली में तो मेरे को जरा दोबारा बताता हूँ भाई। ये बंदा रोड के बीच में बाइक चला रहा था उल्टी तरफ, साले गाड़ी नहीं, वो बाइक वाला भी था जो भी जा रहा है, हमने देखा नहीं क्या, बाइक बंदा लेके जा रहा था रोड के बीचों बीच एकदम उल्टी रॉन्ग साइड, और उसकी बाइक के चलते जो गाड़ी वाले थे वो गाड़ियां पीछे कर रहे थे। दिस ओनली हैपेंस इन इंडिया। तो भाई 6 बज चुके हैं, नेहरू प्लेस पहुंच चुके हैं, गाड़ी में वेट कर रहे हैं, सामान आ रहा है किसी के बिल्ड का, और बस खाना खाया। नज़ीर पे बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और आज गए, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो जो जो हमारी तरह सिंगल हैं वो तो अकेले ही घूमेंगे जैसे हम घूम रहे हैं, जिनका है कुछ वो मस्त एंजॉय करें। देखो जरा एक बार मौसम दिखा दो यार दिल्ली का। लेकिन देखिये जो सिंगल है वो तो इस गाड़ी में घूम ही रहे हैं, लेकिन जिनका कुछ है वो भी इसी गाड़ी में घूम रहे हैं। ये देखो लड़का कैसा है, शर्मा।